Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all good. Now open your maths book, unit number 8, introduction to algebra, exercise 8.4, question number 1, 2 and 3. This one question number 1, it may have total 10 parts and question number 2 and question number 3. तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. तो स्टूडेंट्स इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. हमारे पास जो इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. लास्ट टाइम हमने सम ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किए थे, आज हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर मिड में हमारे पास माइनस का साइन है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करवा देती हूँ मैं आपको, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है. 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस p प्लस क्यू प्लस r, ठीक है. तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फर्स्ट मतलब जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो हमने एज इट इज़ राइट कर देनी है, ठीक है. 2p ओपन करके, ठीक है, q प्लस 2r. उसके बाद हमने माइनस अगली वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करते जाना, जैसे माइनस प्लस माइनस भी, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ प्लस है. अगर माइनस होता तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ठीक है. माइनस प्लस माइनस भी, माइनस प्लस माइनस क्यू, माइनस प्लस माइनस r. लास्ट टाइम मैंने आपको ये अच्छे से याद करवा दिया था ना, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है. तो फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, सेम वैल्यूज़ को मतलब लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठे कर देना है, ठीक है. जैसे अब 2p तो p वाली माइनस क्यू, इसी तरह प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है. माइनस माइनस प्लस 2r, ठीक है, प्लस 2r और माइनस r. तो फ्रेंड्स अब आपने क्या करना है, अब इसमें से जो कट होती है उसे कट कर देना है, ठीक है. 2p माइनस p, ठीक है, 2p माइनस p, फिर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 2r माइनस r. तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें, 2p में से 1p को सब्ट्रैक्ट कर दे, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ कोफिशेंट 1 है, ठीक है. 2p में से 1p अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव p आता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास जो ग्रेटर जो वैल्यू है वो हमारे पास प्लस 2p किया, तो इसके साथ जो साइन होगा वही हम यहाँ पे राइट करेंगे, प्लस p, ठीक है. प्लस q माइनस q आपस में कट हो जाएंगे, इसी तरह 2r में से माइनस r को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है. इसके कोफिशिएंट 2r में से 1r सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस r. तो फ्रेंड्स इसका ये आंसर आ गया, ठीक है. इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे. सेम इसी मेथड से हमने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज राइट कर देना और माइनस को इस वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना. तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. एक्स क्यूब प्लस, हमने ब्रैकेट ओपन करके फर्स्ट वाली टर्म्स को ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, एज इट इज़. उसके बाद माइनस को इस वाली वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस वाई, ठीक है. तो फ्रेंड्स अब हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर देना है, जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एज इट इज माइनस वन, ठीक है. तो फ्रेंड्स ये प्लस के ये माइनस के आपस में कट हो गए, ये दोनों वैल्यूज एक प्लस की एक माइनस की ये भी कट हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वन आंसर आ गया. तो फ्रेंड्स बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी सेम इसी मेथड से होंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, सब्ट्रैक्ट करना है हमने 2l माइनस 3l माइनस 3m माइनस n फ्रॉम l माइनस 4m माइनस 6n. तो स्टूडेंट्स हमने इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम जहाँ पे लिखा होता है ना फ्रॉम दिस. तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू में से हमने सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन. तो फ्रेंड्स आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी. तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मेथड करा रही हूँ, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है जिस मतलब l माइनस 4m माइनस 6n को में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2l माइनस